हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो जी 34 5G फ़ोन है, तो मोटो जी 34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने मोटो जी 34 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर पाएंगे मोटो जी 34 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग्स में, और सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर रीसेट ऑप्शंस पे जाना है, और रीसेट ऑप्शंस पे जाकर जो भी आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं या फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पे जाकर जो भी नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें कर पाएंगे इसके ज़रिए। पहले तो पासवर्ड डाल देना है कुछ इस तरीके से, तो ओके करते ही जो भी आप ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इस पर टैप करते ही ऑल सेटिंग्स से जो भी आपके फ़ोन की रीसेट हो जाएगी। इस पर टैप करते ही ऑल सेटिंग्स को आप रीसेट कर सकते हैं और नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं मोटो जी 34 5G फ़ोन में। तो इस तरीके से नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं मोटो जी 34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।